डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हम चैप्टर नंबर 4 यानी केमिकल वाणी का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है विस्पर थ्योरी एंड ज्योमेट्री ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर नंबर 5 यानी केमिकल वाणी का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। दिस टॉपिक इज कॉल्ड विस्पर थ्योरी एंड द ज्योमेट्री ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। इससे पहले कि हम इस थ्योरी या इस टॉपिक पर डिस्कशन करें, क्योंकि हमने इससे पहले जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स डिस्कस किए हैं, जस्ट लाइक एज द कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के बारे में इस केमिकल वाणी में पढ़ा है। क्योंकि मॉलिक्यूल एटम्स इस वजह से मॉलिक्यूल्स या बॉन्ड बनाते हैं इन ऑर्डर टू गेट द स्टेबिलिटी, एज यू नो। चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, चाहे वो आयनिक बॉन्ड बनाए, हर एक एलिमेंट की तलाश ये होती है कि मैं स्टेबिलिटी हासिल करूं, चाहे वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से करे या कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, इसका मतलब, या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो, दैट मीन्स आयनिक बॉन्ड बनाए। यानी इन शॉर्ट, नटशेल में हर कोई एलिमेंट स्टेबिलिटी हासिल करना चाहता है इन ऑर्डर टू फॉर्म द बॉन्ड। इसी तरह से वहां पर इस बॉन्ड में हमने देखा है जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं, मैं आपको दोहराता हूं, वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उसका तस्वुर जो हमने दिया था, उसका साइंटिस्ट का, केमिस्ट का नाम था लिविस। लिविस ने बोला कि ऐसी बॉन्डिंग के लिए ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेते हैं जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्योंकि हर एक चीज में कोई ना कोई कमी होती है, चाहे कोई थ्योरी बने, उस थ्योरी में कोई ना कोई कमी होती है। जो थ्योरी उस थ्योरी को मॉडिफाई करती है, उसमें भी कोई ना कोई कमी होती है। उस वहां पर जो उस लिविस कंसेप्ट में जो कुछ कमियां थी, यानी उसमें क्या कमी थी, क्योंकि लिविस कंसेप्ट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। वहां पर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल की कोई डिस्कशन हुई नहीं है, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सका। और इसमें बहुत सी जो लिमिटेशन थी, वो एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन थी, दैट वाज ओनली इट वाज दैट मींस दैट कंसेप्ट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। नाउ एन अनदर थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय शरीफ एंड पावर इन 1940। एक दूसरी किस्म की थ्योरी, जिस थ्योरी का नाम है विस्पर थ्योरी, इट वॉज पुट फॉरवर्ड और गिवन और प्रपोज्ड बाय सडिक एंड पॉली इन 1940। दिस थ्योरी इज बेस्ड स्पेशली ऑन द रिपल्सिव इंट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, रिपल्सिव इंट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल। यानी इस थ्योरी की मदद से, इस थ्योरी में भी हम ये दिखाएंगे कि स्टेबिलिटी किस तरह एलिमेंट्स हासिल करते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म द बॉन्ड, इसीलिए बॉन्ड बनाते हैं, ये इसीलिए आप उसमें हिस्सा करते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म द बॉन्ड, इन ऑर्डर टू गेट द स्टेबिलिटी। ये थ्योरी, विस्पर थ्योरी, जो सडविक और पावल ने 1940 में बताया है, यानी दी है, प्रपोज की है, ये थ्योरी हमें उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में जो कमी, जो लिमिटेशन थी, उसको यहां पर दूर किया गया है। दैट वाज ओनली द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री बताई गई है। इसमें जब ये बताता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, और उस बॉन्ड बनाने के साथ साथ जो आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं, आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं, और इनमें से जो इनकी जो शेप यानी बनती है, उस वक्त एक मॉलिक्यूल जो वजूद में आता है, हर एक मॉलिक्यूल की एक ने कोई ना कोई ज्योमेट्री या कोई ना कोई शेप जरूर होती है।
उस शेप को यहां पर एक्सप्लेन किया है विस्तार में। ये शेप किस तरह बनती है जब ये बॉडी में हिस्सा लेते हैं, ये शेप किस तरह बनती है, ये शेप हमें बताती है विस्पर थ्योरी। क्योंकि हमें ये विस्पर थ्योरी, ये इसकी जो इसके जो मेन प्रिंसिपल है, इसकी जो बेस है, इट इज बेस्ड ऑन द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। क्योंकि कौन सी इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस जो बॉडी में हिस्सा लेते हैं, दोज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो वी से दिस इसका जो मेन प्रिंसिपल है, दैट मीन दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ द, दिस इज मेन पॉइंट, रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल्स। जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस शेल आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें जितनी रिपल्शन होती है, उस रिपल्शन की बुनियाद पर एक मॉलिक्यूल अपनी शेप, यानी अपनी शेप बनाता है, अपनी शेप बनाता है, और इसकी इस तरह की शेप बनती है। जब से क्योंकि इस थ्योरी में जो एब्रिवेशन दी गई है, यानी विस्पर, ये इनमें पांच लेटर्स हैं, वी है, एस है, ई है, पी आर, पी और आर है। इस एब्रिवेशन के मुताबिक जब हम इस एब्रिवेशन की जो मीनिंग पढ़ेंगे, उससे हमें क्लियर ये साबित होगा कि ज्योमेट्री किस तरह बनती है एक मॉलिक्यूल की, जब वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है, जब वो बॉन्ड बनाता है, इसकी कोई ना कोई ज्योमेट्री यानी हासिल होती है, इसकी कोई ना कोई शेप हासिल होती है। वो इस कि जब हम एब्रिवेशन पढ़ते हैं, उस एब्रिवेशन के जरिए से हमें क्लियर हो जाएगा। क्योंकि विस्पर एज स्टैंड फॉर द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। वी स्टैंड फॉर द वैलेंस, वी स्टैंड फॉर द वैलेंस, एस स्टैंड फॉर द शेल, ई स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रॉन, P stands for peer, R stands for repulsion. In short, we can say it stands, इसका जो जो meaning है, that is valence shell electron peer repulsion. इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि जितनी valence electrons में repulsion होती है, जितनी valence electrons जो binding में हिस्सा लेते हैं, जितनी valence shell में, जो valence shell में, यानी valence electrons, valence shell में जो electrons होते हैं, that these are called valence electrons. आपस में रिपल्शन करते हैं, उस तरह की शेप उस मॉलिक्यूल की बनती है, उस मॉलिक्यूल की बनती है, उसके एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स जिस तरह इन्हें एलिमेंट्स में, हर एक एलिमेंट में जो मॉलिक्यूल बनाता है, उसमें अपने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितनी जितनी वो रिपल्शन आपस में करेंगे, उस तरह की उसको ज्योमेट्री, उसको शेप हासिल होती है। और इस तरह से इसके कुछ जो विस्पर थ्योरी है, दैट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, उस थ्योरी के कुछ पोस्टलेट्स हैं, जो मैन फीचर्स हैं, जिससे हमें ये साफ क्लियर हो जाएगा कि किस तरह एक एलिमेंट, एक मॉलिक्यूल जब बॉडी में हिस्सा लेते हैं, और इसकी शेप किस पर डिपेंड होती है, इसकी शेप मैनली डिपेंड होती है किस पर, रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स। ये आपको शॉर्ट याद रखने के लिए, इसकी ज्योमेट्री डिपेंड करती है रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल। मैं रिपीट करता हूं, रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल। इसकी एब्रिवेशन से ये भी साफ पता चलता है, और इसके जो पोस्टलेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में आते हैं, 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है, आजकल इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आते ही नहीं है, वहां पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, गिव द मेन पोस्टलेट्स ऑफ विस्पर थ्योरी। और इसके 5-6 पोस्टलेट्स हैं, बहुत जो इंपॉर्टेंट 3 पोस्टलेट्स हैं, वो मैंने इधर पेन डाउन किए हैं, जो मैंने इधर बोर्ड पर लिखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस इन पोस्टलेट से हमें ये आसानी समझ में आसानी हो जाएगी कि किस तरह मॉलिक्यूल यानी ढूंढता है, यानी अपना स्ट्रक्चर बनाता है, जब वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बनाते बने थे उनको एक खास, हर मॉलिक्यूल को एक खास किस्म की शेप या स्ट्रक्चर मिलता है, वो इन पोस्टलेट्स पर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग दिस थ्योरी, जो थ्योरी की है सेविक और पॉल ने 1940 में क्या बताते हैं, द मेन पोस्टलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोज। फर्स्ट पोस्टलेट, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल पेयर्स, जो ये डिपेंड करता है इसमें कितनी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, इस पर अराउंड द सेंट्रल एटम इन द मॉलिक्यूल, अराउंड द सेंट्रल एटम इन, यानी इससे हमें यहाँ पर एक और पॉइंट नोट करना है, जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, वो दो किस्म की होती है मॉलिक्यूल में, जो मॉलिक्यूल में दो किस्म के इलेक्ट्रॉन वैलेंस यानी शेल इलेक्ट्रॉन, या दो किस्म के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स
वीक बॉन्डिंग में ऐसा देते हैं दो किस्म के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, एक होती है बॉन्डिंग और दो दूसरी होती है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स और नॉन बॉन्डिंग, मैं आपको यहां पर ही बताता हूं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, जो आपस में वो बॉन्ड बनाते हैं, आपस में रिश्ता कायम करते हैं, और नॉन बॉन्डिंग होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं लेकिन वो बॉन्डिंग में हिस्सा, उनको हम लोन पेयर्स भी बोलते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम। यानी इसका मतलब फर्स्ट पोस्टनेट का यहाँ पर हमें यह समझ में आया है कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन जो इसका प्रिंसिपल है उसका उसके वो इसका पैराओस्टेट है, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल। सेंट्रल एटम पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसी पर डिपेंड करते हैं। दो किस्म के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड होते हैं सेंट्रल एटम के, जब हम एग्जांपल देंगे उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यानी जो सेंट्रल एटम होंगे, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द दो किस्म के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स होते हैं, एक होते हैं यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स और दूसरी होती है नॉन बॉन्डिंग। नंबर सेकंड, दूसरा पॉस्टेट, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिव चार्ज। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये आपस में रिपल करते हैं, ये आपस में रिपल करते हैं। यहाँ पर बता दो जितनी जितनी रिपल्शन हो जाएगी, क्योंकि ये लाइक ये इस प्रिंसिपल है जिस तरह हम मैग्नेट में बोलते हैं कि लाइक पोल्स रिपल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, इसी तरह यानी चार्जेस में भी है ये प्रिंसिपल कि लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और इसी प्रिंसिपल के बुनियाद पर जितनी जितनी रिपल्शन होती चली जाएगी उतना उतना उसका ये स्ट्रक्चर बनेगा। नंबर थर्ड पॉस्टुलेट, द दीस पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन ऐसी यानी जिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग नॉन पेयर पेयर्स जो सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द होते हैं पेयर्स, वो कहां तक रिपल्शन करेंगे, वो कहां तक रिपल्शन करेंगे, जहां तक वो रिपल्शन करेंगे वहां से ही उसका स्ट्रक्चर बनता है, वो कहां तक रिपल्शन करेंगे ये थर्ड पॉस्टुलेट भी बताता है। These pairs of electrons tend to occupy such a position, वहां पर रिपल्शन चलती जाएगी, in a space that minimize the repulsion, जहां पर इसकी रिपल्शन मिनिमाइज होती है। अगर आप मैग्नेट को लाएंगे, अगर इसी तरह मैं मिसाल देता हूं, अगर आप मैग्नेट को लाएंगे और इस तरह आयरन को लाएंगे, उसकी अपनी अपनी जो इन्फ्लुएंस होती है और उसी तरह वहां उसको वो अट्रैक्ट करता है और रिपल करता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन की भी ऐसी ही हालत है कि दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू ऑक्यूपाई सच ए पोजीशन इन स्पेस दैट मिनिमाइज द रिपल्शन। यहां पर इनकी रिपल्शन मिनिमाइज होगी, जब मिनिमाइज रिपल्शन होगी एंड दस मैक्सिमाइज द डिस्टेंस, वो इसकी डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, वहां पर उसका स्ट्रक्चर पे फ्रेम होता है। बस अकॉर्डिंग टू दिस विस्पर थ्योरी ने कुछ ऐसे रूल्स दिए हैं हमारे समझने के लिए, ताकि ये भी बताता मेरे दो किस्म की जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं हमारे सेंट्रल एटम पर, जो बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग, इनमें किस किस्म के रिपल्शन, कौन कौन इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपस में ज्यादा रिपल्शन करते हैं, कौन कौन इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपस में कम रिपल्शन करते हैं। यानी अकॉर्डिंग दिस रूल एंड अकॉर्डिंग टू विस्पर रूल द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिक्रीज इन द, ये डिक्रीज होते हैं, या हमें मैथमेटिकली भी हम जान सकते हैं कि लोन पेयर का हमने लिखा एब्रिविएशन एलपी और इसको डिनोट किया मैंने एलपी से, और यहाँ पर हम डिनोट करते हैं एलपी से लोन पेयर को एलपी से डिनोट करते हैं, लोन पेयर को एलपी से, बॉन्ड पेयर को बीपी से, और दो किस्म की होती है लोन पेयर एलपी और बॉन्ड पेयर बीपी। दैट मीन्स लोन पेयर कभी कभी एलपी बीपी भी हम लिख सकते हैं शॉर्ट में। दैट मीन्स लोन पेयर इज ग्रेटर देन कौन से रिपल्सिव अट्रैक्शन, लोन पेयर रिपल्सिव अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड and which is greater than this and this. That means lone pair is most repulsive attraction. जब सेंट्रल एटम में ज्यादा से ज्यादा उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है सेंट्रल एटम पर, तो वहां पर जो लोन पेयर की ज्यादा लोन पेयर होती है तो वहां पर रिपल्सिव अट्रैक्शन, क्योंकि उसी रिपल्सिव अट्रैक्शन के बुनियाद पर एक मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल शेप लेता है और लिस्ट होती है लिस्ट रिपल्सन इन द बॉन्ड में। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है। While the lone pairs are localized on the central atom, जब हम आपको मिसाल देंगे एग्जाम्पल से समझाएंगे वहां पर लोन पेयर हम दिखाएंगे सेंट्रल एटम पर एंड बॉन्ड पेयर इज श्योर बिटवीन द एटम्स, जो आप क्योंकि हमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि लोन पेयर वो बॉन्ड वो यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्स होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, और बॉन्ड पेयर बॉन्ड वो जो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनाते हैं जिस तरह से वो हम लाइन से दिखाते हैं। अच्छा, द लोन पेयर्स ऑक्यूपाइड मोर स्पेस एज कम्पेयर टू द बॉन्ड पेयर्स। हम ये कैसे बता सकते हैं कि जो मोस्ट रिपल्शन लोन पेयर होती है और लीस्ट रिपल्शन बॉन्ड पेयर में होती है, क्योंकि इसका ये सवाल क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा व्हाई दिस
loan payer interaction is more as compared to loan payer, as compared to bond payer. This is the reason. The loan payers occupy more space as compared to bond payers. This results in the great retention between the loan payers as compared to the loan payer, bond payer, and the bond payer retention. Okay? Thus, this repression gives rise to the shape, जो क्योंकि जो प्रिंसिपल इसका ऑलरेडी बताता है रिपल्शन इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स विद द वैलेंस शेल. दिस रिपल्शन गिव्स द शेप एंड द बॉन्ड एंगल एंड द मॉलिक्यूल. दस जितनी जितनी रिपल्शन होती चली जाएगी इन ऑर्डर टू गेट द रिपल्शन जब मिनिमाइज होती जाएगी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज डिस्टेंस. और इसी तरह से एक मॉलिक्यूल को एक शेप मिलेगी, ज्योमेट्रिकल शेप मिलेगी, एक स्ट्रक्चर मिलेगा और इसको अपना एक बॉन्ड एंगल मिलेगा बिटवीन दीज बॉन्ड्स. एंड इट हैज बीन कैटेगर फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ द ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू विस्पर थ्योरी. फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ द ज्योमेट्री ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. इन मॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एक होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर्स. ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें सेंट्रल एटम में कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज एग्जाम्पल से करने पर जाइए. एंड द मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. ऐसे मॉलिक्यूल्स की जब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़े जाएंगे जिन मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम में कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और ऐसे मॉलिक्यूल्स फिर उनकी मिसाल अलग देंगे. ऐसे मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज वन आर मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसमें लोन पेयर भी होते हैं और बॉन्ड पेयर भी होते हैं. एंड द नेक्स्ट स्टेप next topic, dear students, we will give examples of these both of these categories of the molecules till then. Khuda Hafiz.